क्या अचानक से दया भाभी आएगी, चलिए जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों जानने से पहले आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने तारक मेहता के लेटेस्ट एपिसोड में देख रहे होंगे कि यहाँ पर जेठालाल को एयरपोर्ट जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, एक के एक बाद यहाँ पर उनके ऊपर दिक्कत आ ही रही है। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पर, जैसा कि एपिसोड अभी काफ़ी ज़्यादा बोरिंग चल रहा है, आप सभी को पता ही, नया एपिसोड में किसी को भी लिटरली मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन अगर ऐसा यहाँ पर हो जाए कि अचानक से दया भाभी आ जाए अहमदाबाद से और जेठालाल को रोड में दया भाभी मिल जाए तो कैसा होगा, यहाँ पर लिटरली तारक मेहता सीरियल की टीआरपी आसमान छू बैठेगी इसी वीक में अगर ऐसा हो जाए तो। लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तारक मेहता सीरियल के मेकर्स ऐसा कुछ करवाने वाले है ही नहीं। वो अभी अपने फैंस को और ज़्यादा बोर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, अभी जो जेठालाल की एयरपोर्ट वाली स्टोरी चल रही है लिटरली 5 दिन से चल रही है, यानी कि 5 दिन से सिर्फ जेठालाल एयरपोर्ट अभी तक पहुंचा ही नहीं है। अपने घर से उसको एयरपोर्ट जाने में तारक मेहता सीरियल के 5 एपिसोड निकल गए हैं और वो एयरपोर्ट पहुंचा नहीं है। तो आप सोचो कि ये लोग दया भाभी की एंट्री करवाएंगे कैसे, और इन लोगों ने जो प्रॉमिस किया था कि इस साल दया भाभी की एंट्री करवाएंगे, वो सच में प्रॉमिस पूरा करेंगे या फिर नहीं, मेरे को तो पक्का डाउट हो रहा है अब। क्योंकि यहाँ पर अगर ये पोपटलाल की शादी नहीं करवा सकते 16 सालों में, तो दया भाभी की एंट्री क्या ही करवाएंगे 7 सालों में, जो कि आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिल ही जाएगा कि सच्चाई क्या है। तब तक आप वेट करो दिवाली और नवरात्रि का। बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताकर जाना, और ऐसे ही अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।